नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर रिवीजन टू। रिवीजन टू में बच्चों हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसको आपने दूसरी कक्षा में पढ़ा है, ऐसे वर्ड्स जो आप जानते हैं, पहचानते हैं, और उसी वर्ड्स का एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, आपको बोर्ड को देखना है और बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स को मेरे साथ साथ में आपको रीडिंग करनी है, उसे पढ़ना है। तो बच्चों, लुक एट द बोर्ड एंड रिपीट आफ्टर मी, यानी कि जब मैं पढ़ूं तो मेरे पीछे पीछे आपको उसे दोहराना है। BAG बैग, BAG बैग, BAG बैज, BOY बॉय, BANANA बनाना, CAP कैप, CAT कैट, CLOCK क्लॉक, CARROT कैरोट, PAN पैन, PARROT पैरोट, POT पॉट, POTATO पैटेटो, TABLE टेबल, TANT टैंट, TOMATO टमेटो, TOP टॉप, BALL बॉल, COCK कॉक, PONDY पॉन्ड, TIGER टाइगर। तो बच्चों, आपने मेरे साथ में इन वर्ड्स की रीडिंग की। अब बच्चों, हम इन वर्ड्स का मीनिंग भी समझ लेते हैं, मतलब भी समझ लेते हैं। BAG बैग, बैग का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, आप स्कूल आने के लिए या फिर सामान लेने के लिए हम बैग का इस्तेमाल करते हैं, BAG बैग, BAT बैट, बैट यानी बच्चों हिंदी में बल्ला कहते हैं, आप क्रिकेट में बैट का इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए, BOY बॉय, बॉय यानी कि लड़का, BANANA बनाना, बनाना यानी कि केला, CAP कैप, कैप यानी कि टोपी, CAT कैट, कैट यानी कि बिल्ली, CLOCK क्लॉक, क्लॉक यानी बच्चों घड़ी होती है, CARROT कैरोट, कैरोट यानी कि गाजर, कैरोट एक वेजिटेबल है, PAN पैन, पैन का इस्तेमाल बच्चों हम किचन में करते हैं खाना बनाने के लिए, PAN पैन, PARROT पैरोट, PARROT पैरोट, पैरोट यानी तोता, POT पॉट, पॉट यानी कि मटका घड़ा, POTATO पैटेटो, पैटेटो यानी कि आलू, आलू भी वेजिटेबल है, TABLE टेबल, टेबल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं बच्चों, पढ़ाई करते समय, TABLE टेबल, TANT टैंट, टैंट यानी तंबू, TOMATO टमेटो, टमेटो यानी कि टमाटर, TOP टॉप, टॉप का इस्तेमाल बच्चों खेलने के लिए करते हैं ना, जिसे हिंदी में भंवरा कहते हैं, TOP टॉप, BALL बॉल, बॉल यानी कि गेंद, COCK कॉक, कॉक यानी मुर्गा, PONDY पॉन्ड,
एनडी पॉन्ड, पॉन्ड यानी कि तालाब, टी आई जी ई आर टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर, टाइगर का मतलब होता है जो शेर। तो इस तरीके से आपने इन वर्ड्स को पढ़ा भी और इसका मीनिंग भी समझा। बच्चों अब हम इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पर दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है चिल्ड्रन, फाइंड एंड नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द चार्ट। फाइंड यानी कि ढूंढना, द नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द चार्ट यानी कि जो चार्ट दिए गए हैं इसमें से आपको नाम ढूंढने हैं। क्या नाम ढूंढना है देखते हैं। टू एनिमल्स, टू यानी कि दो, एनिमल्स यानी कि जानवर, दो जानवरों के नाम इस चार्ट में से ढूंढने हैं। चलिए ढूंढते हैं बच्चों, इसमें से कैट, कैट बच्चों एक एनिमल होता है तो कैट, और दूसरा एनिमल ढूंढते हैं यहाँ पर, दूसरा एनिमल है टाइगर। कैट और टाइगर टू एनिमल्स है तो इसका आंसर होगा कैट एंड टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बर्ड्स, टू बर्ड्स यानी कि दो पक्षियों के नाम, इसमें दो पक्षियों के नाम आपको ढूंढने हैं। तो इसमें पक्षी कौन है बच्चों, पैरोट, पैरोट एक पक्षी का नाम है, और कौन पक्षी है बच्चों इसमें, कॉक, कॉक यानी कि मुर्गा, मुर्गा भी एक पक्षी है। तो पैरोट और कॉक ये टू बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री थिंग्स यू प्ले विथ, थ्री यानी कि तीन, थिंग्स यानी कि चीज वस्तु, यू प्ले विथ आप ऐसे दो वस्तु, तीन वस्तुओं के नाम बताइए जिसके साथ में आप खेलते हैं, खेलने वाली चीज का नाम इसमें से ढूंढकर बताना है। तो आप बैट के साथ में बच्चों खेलते हैं तो बैट हो गया, सेकंड इज टॉप, टॉप के साथ में भी हम खेलते हैं तो बैट और टॉप, एंड लास्ट इज बॉल, बॉल के साथ में भी खेला जाता है। तो थ्री थिंग्स यू प्ले विथ इसका आंसर होगा बैट, टॉप एंड बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर थिंग्स वी ईट, फोर यानी कि चार, थिंग्स यानी कि सामान चीज, वी ईट यानी कि हम खाते हैं, ऐसे चार चीजों के नाम बताने हैं जिसे हम खाते हैं। तो बच्चों ढूंढते हैं हम, यस बनाना, बनाना हम ईट करते हैं, खाते हैं, बनाना हो गया। और हम क्या ईट करते हैं, कैरोट, कैरोट हम ईट करते हैं। और क्या खाते हैं हम, पैटेटो, पैटेटो यानी कि आलू खाते हैं। और क्या खाते हैं हम, टमाटो। तो बनाना, कैरोट, पैटेटो एंड टमाटो हम ईट करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ मैनी फाइव लेटर्स वर्ड डू यू सी हियर, हाउ मैनी यानी कि कितने, फाइव लेटर वर्ड्स आपको यहाँ पे पांच अक्षरों वाले वर्ड्स कितने हैं आपको ढूंढने हैं और बताने हैं। पांच अक्षरों वाले कितने शब्द मिलते हैं, कौन कौन से हैं वो बताने हैं। ये फाइव लेटर वर्ड है बच्चों, नहीं ये थ्री लेटर, थ्री लेटर ये सिक्स लेटर के वर्ड हैं, ये भी थ्री लेटर है, थ्री लेटर ये फाइव लेटर, सी एल ओ सी के क्लॉक ये फाइव लेटर वर्ड्स है, ये भी फाइव लेटर वर्ड है, नहीं ये सिक्स लेटर वर्ड है। टेबल, टेबल फाइव लेटर वर्ड है, टी ए बी एल ई टेबल ये फाइव लेटर वर्ड है। इसी तरीके से टाइगर, टी आई जी ई आर टाइगर फाइव लेटर वर्ड है। तो इस तरीके से वन टू थ्री, थ्री वर्ड्स ऐसे हैं जो कि फाइव लेटर्स के वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सिक्स लेटर वर्ड डू यू सी हियर, आपको यहाँ पर सिक्स लेटर वाले कौन कौन से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यस बनाना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें सिक्स लेटर आ रहे हैं तो बनाना सिक्स लेटर के वर्ड है। और कैरोट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कैरोट के सिक्स लेटर के वर्ड है।
पैरोट, PARROT, पैरोट भी सिक्स लेटर के वर्ड है। पैटेटो, पैटेटो भी सिक्स लेटर के वर्ड है। टमेटो भी सिक्स लेटर वाला वर्ड है। इस तरीके से बनाना 1, कैरेट 2, पैरोट 3, पैटेटो 4 और टमेटो 5। 5 ऐसे वर्ड्स यहाँ पे आए हैं जो कि सिक्स लेटर वाले वर्ड हैं। तो बच्चों, आपने आज बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं और इसका मतलब समझे। बच्चों, इसे आपको अपनी SW की 4 लाइन की कॉपी में लिखना है। बच्चों, लिखते समय ज़रा आप ध्यान दें, 4 लाइन की कॉपी में जब आप लिखते हैं तो कुछ लेटर्स नीचे की तरफ होते हैं, तो उसे आप ब्लू लाइन से शुरू करके रेड लाइन पे नीचे की तरफ ख़त्म करेंगे। और कुछ जो लेटर्स होते हैं वो बड़े दिखते हैं, जैसे कि TKB, तो इन लेटर्स को लिखते समय आप रेड लाइन से शुरू करेंगे और ब्लू लाइन पे ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान देते हुए आप स्पेलिंग लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे और इन वर्ड्स को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, याद करना है। नमस्ते।